हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे सब आप आए हो? सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज भी अपनी बाइक की क्लच प्लेटें चेंज कराने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। ये देख सकते हो, आपके सामने मेरी बाइक खड़ी हुई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी के अभी कंडीशन। तो क्या है, गाड़ी के पिकअप वगैरह में इनमें इशू आने लग गया था, इसलिए तो मैं अभी क्लच प्लेटें चेंज कराने के लिए यहाँ पर लाया हूँ। तो देख सकते हो अभी गाड़ी अपनी यहाँ खड़ी है। तो अभी राहुल आएगा मेरे दोस्त, तो वो खोलेगा इसे, तो मैं आपको दिखाऊँगा प्रॉपर वीडियो। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। फ्रेंड्स, हमने ये बोल्ट खोल लिया है, ये ऑयल का भी हम ऑयल निकालेंगे पहले इसमें। ऑयल की कंडीशन कैसी है? भी ठीक है, ये ऑयल की कंडीशन है ठीक बता रहा भी, ये देख सकते हो। वैसे देखते कितना ऑयल निकलना चाहिए, वैसे कितना ऑयल निकलना चाहिए इसमें? सही है। चलो इतना तो निकलना चाहिए। गाड़ी मेरी पूरी अभी 3000 किलोमीटर चल चुकी है, आधा ज़्यादा निकल चुका है, आप ही देख सकते हो। फ्रेंड्स, ये क्लच कॉर्ड खोलने से पहले हमें ये किक खोलनी पड़ती है। ये देखिए किक निकाल रहा, वो ये किक निकाल लिया, अब ये क्लच कॉर्ड खोलेंगे। ये फ्रेंड्स, हमने पूरे नट खोल लिए, ये आपके सामने क्लच कॉर्ड खुल गया। ये हमारे पूरे क्लच असेंबली दिख गए आपको सामने, ये देख लीजिए। मतलब जो भी क्लच प्लेट घिसती है तो सब इसी में आ जाती है। हाँ, ये सारी गंदगी क्लच प्लेटों की इसी में आती है। ये फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जितनी भी क्लच प्लेटों की गंदगी है सब यहीं पे आ जाती है। इसमें एक तरह से डस्ट का काम करती है, सारी डस्ट यहीं पे आ जाती है। ये हमने खोल के इधर रख लिया, ये अलग है। और ये देख रहे हो ना, ये बोल्ट, ये दो तरह के बोल्ट है, छोटे बड़े, तो हमने ना अलग सीरीज वाइज रखा हुआ है, ये बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो लगाने में। सही है सर, मास्टर है। अच्छा, दो वाशर आता है, एक आगे एक पीछे, ये पीछे वाले दो। दिख रहा है ये वाला पॉइंट? हाँ हाँ, ये पीछे पॉइंट। हाँ, ये असेंबली की टाइमिंग होती है। अच्छा, तो इन्हें एक साथ मैच करना होता है, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम रहना चाहिए। ओके, आगे पीछे रहा तो असेंबली की टाइमिंग आउट रहेगी। ओके,
डेढ़ हो गई दिख रही है लाइन है। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये लाइनें दिख रही होंगी आपको ये वाली, इसी कारण अपनी गाड़ी में इतना पिकअप कम हो गया था। तो ख़त्म हो गई मान, कट गई है दिख रहा होगा। हाँ ये डेढ़ हो गई हमारी, अब तो नहीं डालेंगे। तो जो भी हम चीज़ें डालेंगे सब ब्रांडेड हैं, ये आप देख सकते हो वो सब कंपनी का ही है। ये देखिए आप ये ऑयल है अपना मोटूल का, सब कंपनी का है। फ्रेंड्स हमने वो जाली साफ कर ली फिल्टर, अब वापस लगा रहे इसमें। ये देख सकते हो हमने साफ कर लिया ऑयल में, हल्का सा डिप करके वापस लगा रहे इसको। ये हमने वापस वहीं की वहीं लगा दी। ये फ्रेंड्स हमने ये असेंबली स्टार्ट कर दी है, देख लीजिए ये कंपनी की है, हमें कोई लोकल नहीं डाल रहे आपके सामने। ये देख लीजिए कंपनी की है। ये हमारी प्रेशर प्लेट, सूखी रखती नहीं इनको, अगर सूखी रखेंगे ना कभी जंग नहीं सकता। हाँ कंपनी एक बात है, सेफ्टी के अकॉर्डिंग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। टेपिंग करके आई है, ये फ्रेंड्स हमने सारी क्लच प्लेटें निकाल ली है पैकिंग से, अब हम फिट कर दें उनको। ये देखिए ये प्रेशर प्लेट नहीं, प्रेशर प्लेट एक साइड रहनी चाहिए। राउंड वाला हिस्सा ऊपर की तरफ एक साइड में चलनी चाहिए प्रेशर प्लेट। अगर तुम ऐसे लगाते हो ऐसे लगाते हो तो जिस साइड उल्टी लगा रखी है ना उस साइड कलर पर पहुंच चुकी जाएगी। ओके ये भी है क्या इनमें? उसमें पॉइंट भी है, उधर भी लगा हुआ है। एक और चीज बताऊंगा भी इसमें, आपको सब चीजें बताऊंगा। फिट करना भी बड़ा डिफिकल्ट है इसको, है ना? फिट करना तो वही है सिंपल, और चाहिए कि थोड़ी सेटिंग लाइन का टाइम। एक ऊपर लाइन है ना, एक बार ये हो गई हमारी फिट। चार अंदर एक बार, एक बार ये देख सकते हो आप। होल से में जान दो तो बढ़ बढ़िया रहेगा, वापस हमने वाशर और बोल्ट को साफ करके लगा दिया इसमें।
ये फ्रेंड्स हमने वापस फिटिंग कर दी उनको, ये स्प्रिंग वगैरह लगा के देख सकते हो। इसे आराम से करने का रीजन क्या है? इसको आराम से करने रीजन ये है कि अगर चटक गए ना, हाँ, तो कंपनी के चक्कर काटते जाओ। अच्छा, इसलिए इसे धीरे धीरे कसना पड़ता है, धीरे धीरे और पॉइंट टू पॉइंट कसना पड़ता है। अगर मैं इसको एक को कस दूंगा तो स्प्रिंग का लोड इस तरफ आएगा तो यहाँ से चटक जाएगी। अच्छा, तो खराब होने चांस है, तो इसलिए सबको एक साथ इक्वल कसना पड़ता है। ये पूरा सिस्टम पल्सर में काफ़ी गाड़ियों में, मतलब हर गाड़ियों में यही होता है। तभी मैकेनिक वगैरह सब ऐसे थोड़ा उसको कस लिए, थोड़ा उसको कस लिए। ये हमारी क्लच असेंबली फिट हो चुकी है, आप देख सकते हो। अब इसको साफ करके लगाएंगे हम वापस, ये देख सकते हो। इसमें वाशर आता है, ये वाशर है। अब इसको साफ करेंगे, ये देखिए गंदगी। फ्रेंड्स ये मैं क्लच कवर पैकिंग लेके आया था, इसका तो कोई काम रहा नहीं क्योंकि ये ख़राब हुई नहीं। मैं एडवांस में इसलिए लेके आया था, कहीं ख़राब हो जाए तो डालना ना पड़ जाए, इसलिए मैं एडवांस में ला के रख लिया। ज़्यादा महंगी नहीं है ये, वैसे कितने की है? 137 रुपये MRP है। तो देख लीजिए, कभी भी ज़रूरत पड़े तो आपको ला के रख लेनी चाहिए, पर मेरा इसमें कुछ प्रॉब्लम आई नहीं। वैसे ये मेटल की आती है इसलिए कोई इनमें इशू था नहीं, तो मेरी सही है। तो बस ये ऐसे रखी हुई है, कभी और दिन काम आएगी, देख सकते हो। हमारी ये क्लच असेंबली फिट हो गई है, बस इसको फिट करके आपको दिखाएंगे अभी। और ये हमारा है मोटूल का ऑयल, ये देख सकते हो 10W50 फुली सिंथेटिक। उसकी प्राइस बता देता हूँ आपको मैं, ये देख सकते हो 925। देख लीजिए, हम इसे साफ़ कर रहे हैं अच्छी तरह, इसमें कोई गंदगी वगैरह ना हो, क्योंकि अगर जब ऑयल फिल्टर होके जाएगा तो इसे मिस जाएगा। तो इससे बढ़िया कि हम इसे अच्छी तरह साफ़ कर रहे हैं, देख लीजिए। देख लीजिए तो साफ हो गया है। इसमें देखिए कितनी गंदगी निकली, आपको ट्रे में दिख रही होगी बकायदा, इतने से छोटे से पार्ट्स में इतनी गंदगी मिली। ये सब क्लच प्लेट हो गई है, ट्रेन से साफ करके लगा दिया इसे, आप देख सकते हो। ये हमने वाशर और बोल्ट भी साफ़ कर लिए, इसे लगा देते हैं। फ्रेंड्स हमने इसे साफ़ कर लिया, और इस पैकिंग का हमेशा ध्यान रखा करो कि ये कहीं कटी फटी ना हो, क्योंकि ऑयल लीक होने के चांस रहते फिर यहाँ से। ये हमारे तीन स्क्रू कस गए, बस इनको टाइट करना है। ये कंप्लीट हो गया। ले फ्रेंड्स हमने तो पैकिंग नहीं लगा दी वापस, वो क्या पुरानी पैकिंग तो हमने हटा दी।
फिट हो गया क्लच कवर। अब जैसे हमने नट खोले थे उसी सीरीज में वापस डाल दिए, बस इनको टाइट करना रहेगा। ऐसे सब अपने नट को धीरे धीरे कस लेना है, एक क्रॉस वाइज कस रहे हैं, देख लीजिए पहले एक ऊपर का फिर नीचे का फिर ऊपर का फिर नीचे का। हमने किक भी लगा दी वापस, इसको भी टाइट कर दो। सर मैं ऑयल डाल रही हूँ, देख सकते हो इसकी केप निकालनी होती है, केप निकाल लीजिए ऊपर से हमेशा जब भी डालनी होती है। इसकी ऑयल बहुत ही ज़्यादा थिक निकलता है, ये देखो एकदम रेड ब्लड की तरह। हेलो फ्रेंड्स, हम एक्स ब्लेड के टेप टाइट करेंगे, तो अभी हम खोलते हैं। ये देख लीजिए इसके पैनल वगैरह खोल लिया हमने, पूरी फैनिंग खोल ली है, देख लीजिए ये उधर भी रखी हुई, और ये रहा पेट्रोल टैंक, यहाँ भी कड़ी मशक्कत चल रही है। ये पेट्रोल टैंक हमने अलग कर लिया निकाल के, अब टेप टाइट करेंगे। ये देख लीजिए खुलने के बाद कुछ ऐसी दिखती है। हमने ये टेप इट कवर के पूरे नट खोल लिए, बस एक बाकी वो देख लीजिए वो खोल रहा है। ये दो बोल्ट और खोलने ना, ये फ्रेंड्स हमने ये टेपेट कवर खोल लिया, ये वायर है इसको थोड़ा संभाल के ये खोल दिया, ये इसकी पैकिंग है, ये है एक्स ब्लेड का इंजन कुछ इस तरह से दिखता है ऊपर का हिस्सा। फ्रेंड्स हमने टेप टाइट कर लिया, बस चेक कर रहे हैं। देख सकते हो हमारी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, हमने पूरे कवर वगैरह लगा दिया, रेडी है हमारी बाइक ऑलमोस्ट। ये थोड़ा यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, इस साइड से भी कंप्लीट हो गया, हमने टेपिट वगैरह सब कुछ टाइट कर लिया, ऑयल वगैरह सब डाल दिया, बस थोड़ा ये बाकी है कि कवर वगैरह लगा दे फिर आपको दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स देख सकते हो हमारी बाइक कंप्लीट हो चुकी है, मैं आपको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, साउंड भी दिखाता हूँ थोड़ा सुना के। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे नए वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय।